दिवाली हो, होली हो या हो कोई भी त्यौहार, आप इस मिठाई को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत कम खर्च पर आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में आप ढेर सारी मिठाइयाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनिका त्यागी, आप सभी का स्वागत है मोनिकास किचन में। चलिए देर ना करते हुए इस मिठाई को बनाना शुरू करेंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर 2 कप कोले का बुरादा डाल देंगे, जिसे कि आप डेसिकेटेड कोकोनट भी बोल सकते हैं। गैस को ऑन कर लेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये गोले का बुरादा आप चाहें तो घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम लो पर रखा था और 2 मिनट के लिए मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। अब 2 मिनट इसे भूनने के बाद में हम इसके अंदर यहाँ पर ये दूध डाल देंगे। दूध आप इसके लिए कच्चा या फिर गर्म कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये 1.25 कप दूध डाल दिया है और दूध को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे दूध अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर यहाँ पर ये 3/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो चीनी को इसके अंदर पीस कर भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दूध के अंदर 10 से 15 धागे केसर के भिगो कर रखे थे, इसे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने यहाँ पर ये दूध की मलाई ली है। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप इसके अंदर यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल सकते हो। मिला लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। गैस की फ्लेम को मीडियम लो के बीच में रखना है और इसे हमें लगातार चलाते हुए तब तक पका लेना है जब तक कि ये एक डो की तरह इकट्ठा ना होने लगे या फिर ये पैन को छोड़ना शुरू ना कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर एक कुछ बूंदे केसर एसेंस की ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर केसर वाला दूध ना डालकर यहाँ पर इसके अंदर रू अफ़ज़ा डाल सकते हो। जो रोज़ सिरप आपके घर पर रखा हो तो आप इसके अंदर 1/2 कप रोज़ सिरप डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही अच्छे से ठंडा हो जाए तो हाथों के ऊपर हल्का सा घी अप्लाई कीजिए और आपको जिस भी शेप में इसको बनाना है आप बना सकते हैं। इसके ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा गोले का बुरादा लगाइए ताकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो इसी तरीके से आप इस मिठाई को बनाने के बाद में सर्दियों के मौसम में आप इसे 1.5 से 2 महीने तक फ्रीज के अंदर रखकर खा सकते हैं। फ्रीज के बाहर आप इसे 20 दिन तक भी खा सकते हैं और गर्मी के मौसम में आप इसको 15 से 20 दिन तक फ्रीज के अंदर रखकर खा सकते हैं। फ्रीज से बाहर आप इसे 10 दिन तक खा सकते हो। तो वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब की साइड में आए हुए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। इससे मैं जो भी न्यू रेसिपी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।